हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ भी। और मैं डॉक्टर चैनल में गाइस आज हम बात करने वाले हैं कैनुला साइट्स के बारे में, कैनुला फ्लेबाइटिस के बारे में, यानी कैनुलेशन फ्लेबाइटिस क्यों होता है और इसके कारण, यानी कि जो कैनुला हम लगाते हैं पेशेंट को या जो कैनुला हमने पेशेंट में लगाया है, उस कैनुला के बाद जो वहाँ पर स्वेलिंग होती है या सूजन होती है और किन कंडीशंस में हमें कैनुला बाहर आउट करना चाहिए, यानी किन कैसे क्या कंडीशंस है जिसमें कैनुला को हमें बाहर निकालना है और हमें ऐसी कैसी कंडीशंस होंगी जिनमें हमें कैनुले को बाहर निकलवाना है अपने डॉक्टर से मिलकर के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कुछ क्वेश्चन आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो गाइस चलते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कैनुला हम क्यों लगवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर चलते हैं कि आपको कैनुला जब लगवाने की जरूरत पड़ेगी, आपको जब आपकी बॉडी ओरल कोई मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं करेगी, यानी कि जब भी आप कोई मुंह के द्वारा कोई भी चीज खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, कोई भी सायरप पियेंगे या कुछ भी मेडिसिनल अगर पावर लेते हैं, तो वो अगर मुंह के द्वारा काम नहीं करती है या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को आराम या आपकी जो परेशानी है उसमें आराम नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कैनुला लगवाइए और फ्लूड, आईवी फ्लूड के द्वारा, इंटरवीनस के द्वारा मेडिसिन लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कैनुला लगवा लेते हैं, ऐसी कंडीशन में जब आपको कैनुला लगा दिया जाता है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है या फिर आपको कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैनुला जब भी आप लगवाएं तो जॉइंट्स को अवॉइड कीजिए, यानी कि जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे ये जॉइंट्स है या ये जॉइंट्स है, ऐसे जॉइंट्स को आपको अवॉइड करना है, यानी कि ऐसे जॉइंट्स पर कैनुला लगवाने से बचें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हाथ को मूवमेंट नहीं कर सकते और आपको दिक्कत आ सकती है। आगे 15-20 दिन तक करीबन करीबन आपको परेशानी रहेगी अगर आप जॉइंट्स पर कैनुलेशन करवाते हैं। तो अब हम बात करें कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कैनुला लगवाने के बाद सूजन आपको हो जाती है, तो सूजन अगर होने के बाद आपको ऐसे क्या स्टेप्स जो आप कर सकते हैं या फिर कैनुला निकलवाना पड़ेगा या कैनुला कब निकलवाएं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कैनुला निकलवाने के लिए, देखिए अगर वहां पर कैनुला लगवाने के बाद उस जगह पर उसके कैनुला के चारों तरफ दर्द होता है या लाल स्किन हो जाती है, यानी कि रेड स्किन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिले और हो सकता है डॉक्टर आपके कैनुलेशन को निकालें, यानी कि कैनुला आउट करें, रिसाइड करें और उसके बाद में दूसरा कैनुला लगाएं। फिर उसके बाद भी अगर ऐसी कंडीशन में, अगर मान लीजिए अगर ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उसके साथ में जैसे मान लीजिए अगर बुखार आता है या फिर आपको वहां पर हार्डनिंग महसूस होती है, यानी कि कैनुला की साइड में लाल स्किन है, एरिडमा टाइप का है एंड लाल स्किन है एंड उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि गठन टाइप की हो रही है, तो वो हो सकता है कि फ्लेबाइटिस का सिम्टम हो, साइन है, हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जाकर मिलना है और कैनुला को रिसाइड करवाएं, यानी कि उसको निकलवा कर दूसरा कैनुला लगवाएं। तो ऐसी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कैनुला की साइड में वहां पर ज्यादा थोड़ी बहुत खुजली हो रही है, लाल लाल स्किन हो गई है और यहाँ वहां पर ऐसा लगे कि वहां पर कोई ट्यूमर टाइप का, यानी हार्डनेस देखने को मिल रही है या उसके साथ में बुखार आ जाए, ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है और उसके साथ में दर्द हो, ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आपको तुरंत कैनुला निकलवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो आपकी वीन है वहां पर उसमें सूजन हो गई हो, ऐसी कंडीशन में हमें ये करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैनुला हमें कब रिकमेंड या कब हमें लगवाना चाहिए, क्या जरूरी है। देखिए अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी मुंह के द्वारा कोई भी मेडिसिन को, तो आपको कैनुला लगवाना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपको वोमिटिंग हो रही है या किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में हम मुंह के द्वारा कोई भी मेडिसिन देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मुंह के द्वारा मेडिसिन दी गई है उस मेडिसिन को हम वोमिट के द्वारा पेशेंट बाहर निकाल देते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमें इंटरवीनस देना पड़ सकता है या फिर हमें इंटरवीनस कैनुला यानी कि कब जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ हो उसको और मुंह के द्वारा वो नहीं कोई दवाई खा सकते, ऐसी कंडीशन में भी हमें कैनुला लगाना पड़ सकता है, लगवाना पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई जानकारी। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।